आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनके पास आंखें तो हैं पर वो देख नहीं सकते। लेकिन आज हम ऐसे दृष्टिहीन लोगों को बहुत सामर्थ्य के साथ हर जगह पर काम करते देखते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। नेत्रहीन व्यक्ति हमेशा किसी न किसी के ऊपर आश्रित होते थे। लेकिन एक लिपि ने यानी कि एक भाषा ने नेत्रहीनों के जीवन को इतना आसान बना दिया कि ये लोग भी आज वो हर कुछ कर सकते हैं जो एक साधारण इंसान करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रेल लिपि की। दरअसल ब्रेल लिपि एक भाषा है जिसका उपयोग आँखों से देख ना पाने वाले लोग लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। ऐसे में जब हम ब्रेल लिपि की बात करते हैं तो इस लिपि के आविष्कार करने वाले शख्स की बात करना भी लाजमी हो जाता है। 3 साल की उम्र में एक दिन एक बच्चा अपने पिता के औजारों के साथ खेल रहा था कि तभी अचानक उन्हीं में से एक औजार उसकी आंखों में लग गया। शुरुआत में इलाज कराने पर थोड़ी राहत मिली, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उसकी तकलीफ बढ़ती चली गई। जी हाँ, हम इस वीडियो में एक ऐसे महान शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिसकी बदौलत नेत्रहीन लोगों के लिए पढ़ने लिखने में काफी सहूलियत हुई। हम बात कर रहे हैं महान शख्स लुई ब्रेल की, जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज कर दुनिया भर के नेत्रहीनों के मसीहा बने। हालांकि जब वह जीवित थे तब उनके काम को सम्मान नहीं मिला, लेकिन बाद में विश्व ब्रेल दिवस की शुरुआत उनके ही जन्मदिन पर करके लुईस ब्रेल को सम्मान दिया गया। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल का जन्म 1809 में फ्रांस के एक छोटे से कस्बे कुप्रे में हुआ था। लुई 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। लुई ब्रेल, जिन्होंने खुद नेत्रहीन होने के बावजूद दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने में सक्षम बनाने को लेकर एक नया आविष्कार किया जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है, और इसकी मदद से आज बड़ी संख्या में नेत्रहीन लोग अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। लुई ब्रेल के पिता रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी बनाने का काम करते थे। धीरे धीरे लुई ब्रेल 8 साल के हुए तो उन्हें दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया और वे नेत्रहीन हो गए। आंखों की रोशनी गंवाने के बाद जब लुई ब्रेल 16 साल के हुए तो एक दिन उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना नेत्रहीनों के लिए पढ़ने को किसी लिपि पर काम किया जाए, और फिर वह इस विचार पर काम करने लगे। इस दौरान उनकी मुलाकात फ्रांस की सेना के कैप्टन चार्ल्स बॉर्बियर से हुई। बॉर्बियर ने लुई ब्रेल को नाइट राइटिंग और सोनोग्राफी के बारे में बताया था जिसकी मदद से सैनिक अंधेरे में पढ़ा करते थे। नाइट राइटिंग लिपि की जानकारी मिलने के बाद लुई ब्रेल नेत्रहीनों के लिए खास लिपि बनाने की योजना पर काम करने लगे। लुई ने ब्रेल लिपि के लिए 64 अक्षर और निशान तैयार किए। इस तरह लुई ब्रेल ने 1825 में महज 16 साल की उम्र में ही नेत्रहीनों के पढ़ने लिखने में मदद के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार कर डाला। हालांकि लुई ब्रेल ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सके। 1851 में लुई को ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की गंभीर बीमारी हुई, जिसके एक साल बाद 43 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल आज भी दुनिया भर में पूजे जाते हैं और वह काफी लोकप्रिय भी हैं। 2009 में भारत सरकार ने लुई ब्रेल की 200वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में डाक टिकट और 2 रुपए का सिक्का जारी किया था। लुई ब्रेल की बनाई ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के लिए बड़ी मददगार साबित हुई और आज भी इसका बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोजांग टाइम्स।